एक सर्कल है ओके okay, और हमें क्वेश्चन बताया गया है कि द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज फाइव सेंटीमीटर और द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लाइंग एट अ डिस्टेंस फोर सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओके तो यहां पे एक सेंटर बनाइए और एक कॉर्ड बनाते हैं दैट इज दिस ओके ये हमारा कॉर्ड है कॉर्ड ए बी और यहां से सेंटर से एक लाइन जा रही है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड ओके सेंटर यहां पर ओ है और रेडियस क्या है दैट इज दाइव सेंटीमीटर तो यहां से लेकर के यहां का डिस्टेंस क्या है दैट इज सेंटीमीटर ओके ये 5 है और लेंथ ऑफ द कॉर्ड लाइंग एट अ डिस्टेंस कॉड सेंटीमीटर मतलब ये जो हमारा सेंटर है और इस कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस है दैट इज फोर सेंटीमीटर अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो देखिए जब भी हम सेंटर से एक लाइन को ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉप करते हैं ऑन ए कॉर्ड देन दैट लाइन बाइसेक द कॉर्ड इन टू इक्वल पार्ट्स

ये वाला साइड का स्क्वायर दैट इज दी स्क्वायर एपी स्क्वायर मान लीजिए ओके okay, अब हम एपी स्क्वायर का लेंथ निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा एपी स्क्व स्क्वायर माइनस फोर स्क्वाज ट्वेंटी फाइव माइनस फोर का स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन क्या होता है दैट इज इक्व टू नाइन तो अगर एपी स्क्वायर की वैल्यू नाइन है तो एपी की वैल्यू क्या होगी एपी की वैल्यू होगी दैट इज थ्री स्क्वायर रूट ऑफ नाइन दैट इज इक्व टू थ्री ओके okay, तो हमारे पास एपी का लेंथ आ गया दैट इज थ्री सेंटीमीटर एपी तो मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में कि अगर कोई लाइन ड्रॉप होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड देन दैट लाइन बाइसेक्स द कॉर्ड इन टू इक्वल पार्ट तो यहां पे एपी इज इक्वल टू पीबी है सिंस एपी इज इक्वल टू पीबी बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड देयरफॉर अगर AP इज इक्वस टू है तो ए बी का लेंथ क्या होगा ए बी का लेंथ होगा ट्वाइस ऑफ AP. दोनों इक्वली है तो तो AP का मेजर क्या है हमारे पास दैट इज थ्री तो ये हो जाएगा टू इंटू थ्री यहां पुट कर दिया हमने तो टू इंटू थ्री क्या होता है दैट इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर